हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेलर हब में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो मैरिन मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। मुझे बहुत दिनों से कमेंट आया था एक भाई का कि स्कॉर्पियो के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो मैरिन मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। इस कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग करें, कितनी सैलरी देती है और कौन कौन से वेसल रहते हैं, और कैसे इस कंपनी में ज्वाइनिंग करें आपको अगर एज अ फ्रेशर और एज एक्सपीरियंस ज्वाइन करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। और हम बात करेंगे इस डीएनएस स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो गाइज, आज की वीडियो सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज, स्कॉर्पियो मैरिन मैनेजमेंट एक यूरोपियन कंपनी है और इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है गाइज वो मोनाको में इस कंपनी का हेड ऑफिस है। स्कॉर्पियो मैरिन सर्विस जो है गाइज वो एक ओनरशिप मैनेजमेंट कंपनी है और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है गाइज। और इंडिया में इस कंपनी का जो ऑफिस है गाइज वो बम्बई और चेन्नई में है। मेन ऑफिस जो है गाइज वो बम्बई में है, जहाँ से ऑफिसर क्रू की रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस जो है वो बम्बई ऑफिस ही होता है। और इसका गाइज खुद का बहुत बड़ा बिल्डिंग है बॉम्बे में, जिसका एड्रेस गाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्कॉर्पियो मैरिन जो है गाइज वो एक आरपीएसएल रजिस्टर्ड कंपनी है और इस कंपनी का आरपीएसएल नंबर जो है वो MU1165 है, जो कि डीजी शिपिंग द्वारा अप्रूव्ड है। और गाइज, स्कॉर्पियो का रेपुटेशन जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के पास जो है गाइस वो 280 वैसल हैं, जिसमें आपको इस कंपनी के पास जो है वो बल्क कैरियर और टैंकर वैसल मिलेंगे। ज्यादातर गाइस आपको इस कंपनी के पास टैंकर वैसल मिलेंगे, उसमें से आपको प्रोडक्ट टैंकर ज्यादा मिलेंगे। भी है इस कंपनी के पास गाइस, पर ज्यादातर आपको जो है वो प्रोडक्ट टैंकर्स मिलेंगे। और अच्छे वैसल हैं सारे, न्यू बिल्ड है, 2015 टू 2017 बिल्ड वैसल हैं सभी के सभी, और सारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस इस कंपनी में। और इस कंपनी के वैसल पे जो गाइज आपको हमेशा मिक्स क्रू मिलेगा, बट ज्यादातर गाइज आपको इसमें इंडियन मिलेंगे। वैसे हर एक कंट्री से मैनिंग करती है, जैसे फिलीपीन हो गया, सिंगापुर हो गया, रशिया, दुबई, यूके, तुर्की, इन सब कंट्रियों से मैनिंग करती है, बट ज्यादातर गाइज आपको इस कंपनी के वैसल पे जो इंडियन क्रू मिलेगा। और खाना पीना भी गाइज इस कंपनी के वैसल पे मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। और गाइज, स्कॉर्पियो और नेविगेट टैंकर जो है वो गाइस दोनों ही मर्ज हो चुकी हैं 2017 में, अच्छा कंपनी है गाइस। और गाइस, अगर गाइस आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो गाइस आप इस कंपनी में एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई कर सकते हो। ये कंपनी गाइस फ्रेशर को हायर नहीं करती है। अगर आप इस कंपनी में एज अ एवी ऑयलर, एज अ ओएस वाइपर, एज अ फ्रेशर जाओगे तो गाइस आपको ये कंपनी नहीं लेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बल्क कैरियर और टैंकर वेसल का तो गाइस आप इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो। ये कंपनी मिनिमम 12 to 18 month का रैंक एक्सपीरियंस मांगती है, अगर आपके पास वॉच कीपिंग प्लस सीओपी है। सीओपी के बाद गाइस ये कंपनी 6 to 9 month का रैंक एक्सपीरियंस मांगती है एवी ऑयलर से, अच्छी कंपनी गाइस, जल्दी लेती नहीं वैसे, बट अगर आपका एक बार इस कंपनी में हो गया तो गाइस बेस्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। और सैलरी की बात करें गाइस तो इस कंपनी में सैलरी बहुत अच्छी है। इस कंपनी में जो ऑफिसर और क्रू दोनों की अच्छी सैलरी है। एवी ऑयलर की बात करें तो गाइस इस कंपनी में एवी ऑयलर की जो सैलरी है गाइस वो 1200 से 1400 $1500 तक जाती है, और ओटी मिला के गाइस इस कंपनी में 1800 $1900 तक जाती है। इस कंपनी में आपको ओटी मिलता है, तो अच्छी कंपनी है। और ऑफिसर लेवल में भी गाइस अच्छी सैलरी है। ऑफिसर लेवल में कैप्टन की जो सैलरी गाइस वो 12000 $13000 तक है, और चीफ इंजीनियर की जो सैलरी गाइस वो 11000 $11500 तक इस कंपनी में चीफ इंजीनियर की सैलरी है। और लोअर ऑफिसर में भी अच्छी सैलरी इस कंपनी में। और गाइज, फ्रेशर डेक कैड की बात करूँ तो गाइज ये फ्रेशर डेक कैड को जो 450 से 550 देती है पर मंथ, अच्छी स्टिफन है इस कंपनी में गाइज। और गाइज, अगर आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो गाइज आप इस कंपनी में डायरेक्ट अपना सीवी मेल करके आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अगर गाइज ये कंपनी आपके लिए इंटरेस्टेड रहेगी तो गाइज आपको ये कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, अदरवाइज गाइज आप कंपनी में खुद भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज इस कंपनी में रेफरेंस लगता है अगर आपका कोई नॉन टू या ब्लड रिलेशन में इस कंपनी में 2-3 साल से काम कर रहा है एज अ ऑफिसर रैंक पे, या कैप्टन है, या ऑफिसर है, या इंजीनियर है, तो गाइज वो आपका इस कंपनी में बाय रेफरेंस करवा सकता है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 या 2 बैचलर का, फिर वो आपका बाय रेफरेंस इस कंपनी में करवा सकता है। और गाइज, स्कॉर्पियो जो है गाइज आपसे यूएस वीजा मांगती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज गाइज
कंपनी का सिलेक्शन होने के बाद आपको स्कॉर्पियो खुद यूएस वीजा प्रोवाइड करवा के देती है। और गाइस स्कॉर्पियो के आपको हर एक वेसल पे जो वो फ्री वाईफाई मिलेगा और अनलिमिटेड वाईफाई रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। अगर गाइस आपका इस कंपनी में सिलेक्शन होता है तो गाइस इससे बेस्ट कंपनी आपको अच्छी नहीं मिलेगी टैंकर कंपनी। और सैलरी के मामले में बेस्ट कंपनी गाइस, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनी, अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम के लिए करना चाहते हो तो बेस्ट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें गाइस तो ये कंपनी सीनियर ऑफिसर को जो है वो गाइस 2 मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट देती है और 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी देती है ऑफिसर के लिए, और क्रू के लिए जो वो 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इस कंपनी में। टाइम रिलीफ करती है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती है, अच्छी कंपनी है। अगर गाइस आपके पास 2 वेसल का या 3 वेसल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 12 to 18 मंथ रैंक एक्सपीरियंस मांगती है, आपके पास वॉच कीपिंग सीओपी है, तो गाइस आप इस कंपनी में बिंदास होके जा सकते हो टैंकर वेसल और बल्क कैरियर वेसल का एक्सपीरियंस लेके। और गाइज स्कॉर्पियो मैरिन जो है गाइज वो आपको डेक कैडेट के लिए स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करवाती है। अगर गाइज आप इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो तो गाइज आपका मिनिमम 12th स्टैंडर्ड में जो है, 12th स्टैंडर्ड के पीसीएम में आपका मिनिमम 65% परसेंटेज होना चाहिए और आपका इंग्लिश में भी 65% परसेंटेज होना चाहिए, तभी गाइज आप इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो। और गाइज स्कॉर्पियो जो वो स्पॉन्सरशिप के लिए तौलाने, IIM नोएडा और TS रहमान में आती है, और तीनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं गाइज ये। और गाइज अगर आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो गाइज उसके लिए गाइज आपको इस कंपनी का मैं जॉब अप्लीकेशन फॉर्म का लिंक गाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो गाइज वहां से जाके आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद गाइज आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब मस्त है, ज्यादातर आपको इसमें इंडियन ही मिलेंगे और खाना पीना सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।